वही जूस वही जूस वही जूस वही जूस। हाथों में तख्ती लेकर बायजूस ट्यूशन सेंटर के समर्थन में प्रोटेस्ट करते ये बच्चे और लोग नरेला के हैं, जो चाहते हैं कि बायजूस ट्यूशन सेंटर नरेला में चलता रहे ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जी हाँ, शायद ऐसा पहली बार है जब किसी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर के पक्ष में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स खड़े हुए हों। दरअसल कुछ दिनों पहले बायजूस के किसी स्टाफ के साथ वारदात हुई थी, जिसके बाद बायजूस ने सुरक्षा का हवाला देकर नरेला में अपना सेंटर बंद करने का प्लान बनाया, जिससे पेरेंट्स आहट हुए। उन्होंने फेडरेशन ऑफ नरेला सब्सिडी के अध्यक्ष जोगेंद्र दहिया से संपर्क किया, जिसके बाद संस्था ने बायजूस से संपर्क किया। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आवाजें उठती रहती हैं कि प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, सबकी जो अपनी मनमर्जी चलती है, जिससे बच्चे परेशान रहते हैं। परंतु आज एक अनोखा नजारा नरेला में देखने को मिला, जहाँ एक BYJU का जो इंस्टीट्यूट है वो बंद होने जा रहा है और वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, एवन स्टाफ भी चाहता है कि वो यहाँ पे रहे ताकि बच्चों को ढंग से तरक्की हो पाए। जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनके हमेशा बच्चे खिलाफ मिले हैं, पेरेंट्स खिलाफ मिले हैं, आज फीस हाइक कर दी, आज ये दिक्कत हो गई। ये पहला मौका ऐसा देखने को आ रहा है कि खुद बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को कि वो यहीं पे रहे और यहाँ के इलाके का जो भविष्य है वो सुधर पाए। आइए बात करते हैं कुछ मौजूद लोगों से। नाम बताइए। मैं जोगिंदर दहिया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला। मामला है कि देखिए, बायजूस के साथ कोई घटना घट गई होगी किसी कर्मचारी के साथ, और अब ऐसी भावना हो रही है कंपनी को, भाई हम सुरक्षित नहीं है। मैं नरेला की जनता के द्वारा भी और हमारे सांसद मोहन दे ने DCP को बुलाकर उसको विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई नरेला में सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जाए, और यहाँ की जनता भी बायजूस के साथ है, हम सभी बायजूस के साथ हैं। कौंसलर MLA ने भी आश्वासन दिया है, तो बायजूस ने समझना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, हमारे बच्चों में ग्रोथ हो रही है आपके कारण। हम आपसे अपील करते हैं, मैंने आपसे कई बार अपील की है और आपके स्टाफ से, आपके मैनेजर से भी बात करना प्रयास किया है, लेकिन वो ना तो किसी का नंबर देते ना वे बात कर पाते। तो मैं बायजूस के उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ, वे हमारे से बात करें और अपना ये बायजूस सेंटर यहाँ से बंद ना करें। इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें यह बराबर जारी रखना चाहिए। हम सीमा दलाल, प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मी जनता स्कूल। सर, एक्चुअली बायजूस के बंद होने के कुछ इश्यूज आ रही हैं, लेकिन पेरेंट्स उसके लिए रेडी नहीं हैं। बीइंग अ प्रिंसिपल, आई कैन से आई हैव बीन इन दिस एजुकेशन फील्ड सिंस लास्ट 20 ईयर्स, एंड आई नो द डिफरेंट माइंड लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड आई नो इट वेरी वेल दैट द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वांट क्वालिटी एजुकेशन एंड नीड सम एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। And I believe that Bayajus, Narela Bayajus Center is providing these things to the students successfully so that they can achieve their goals. And it is happening actually. And parents are also very happy. And on this concept of stopping the center, they are getting worried about their future of their children. So I want to say it should be continued in Narela because it is providing quality education in an affordable fees, this is the main thing. जुगेंद्र दहिया कहते हैं कि ट्यूशन सेंटर को सुरक्षा दिलाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। नवदीप टुडे ने इस संबंध में नरेला में स्थित बायजूस ट्यूशन के संचालक से बात की। उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर पर तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन बताया कि उनका प्लान तो नहीं था कि नरेला में सेंटर बंद किया जाए। अब परिस्थिति ऐसी बनी कि सोचना पड़ रहा है। देखिए, इस टॉपिक पे मुझे बोलना अलाउड नहीं है, मैं ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली बायजूस और आप लोग यहाँ आए हो, आपको पता ही है, बट वही है, मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं कर सकता, मुझे अलाउड नहीं होगा। फिलहाल स्टूडेंट और पेरेंट्स को यही उम्मीद है कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और सेंटर चलता रहेगा ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ सके। प्राइवेट संस्थाओं की मनमर्जी दिल्ली में जहां देखने को मिलती है, चिंतित करती है, वहीं नरेला का ये नजारा आज सबको अचंभित कर रहा है। कैमरामैन इंद्र के साथ दीपक दहिया, दिल्ली। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।